चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं कुछ और खबरों का। हिसार से खबर है जहां 3 दिवसीय कृषि मेले का आगाज हो चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीप जलाकर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल, मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसानों की मेहनत की बदौलत ही भारत 5वीं बड़ी ताकत बना। अगर युवा कृषि के क्षेत्र में आएंगे तो इनमें बड़ा बदलाव होगा। किसानों के उन्होंने कहा कि नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने हरियाणा के खिलाड़ियों की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में 100 से ज़्यादा मेडल आए, जिसमें सबसे ज़्यादा 3/3 हरियाणा के खिलाड़ियों के हिस्से में हैं। मेरे सामने अन्नदाता हैं, मेरे सामने कौन है जो पूजनीय हैं, मेरे सामने कौन है जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और आपकी बदौलत जो हिंदुस्तान आज से 13 साल पहले दुनिया के 5 उन देशों में था जिनकी चिंता हर देश करता था कि इन देशों का क्या होगा, ब्राजील, भारत, टर्की, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, आपकी बदौलत, आपके खून पसीने की वजह से, आपकी कड़ी मेहनत की वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं महाशक्ति है। 5वीं कहां, हम कहां थे आपकी वजह से। आज के दिन कोरोना को पैकेज आलो आईआईटी को छात्र इस्तीफा दे रहे हैं, आईआईएम को छात्र इस्तीफा दे हैं, मोटी मोटी सरकारी नौकरी को इस्तीफा दे हैं, और कह रहे के हैं दूध का व्यापार, सब्जी का व्यापार, अन्न का व्यापार। कहने को मतलब यू है कि आज के दिन भारत शहर के देश में सौ ज्यादा संभावनाएं हैं तो वो कृषि उत्पादक में है। हमें थोड़ा उभरना पड़ेगा। आज किसान क्या देख रहा है? बड़ा भारी बदलाव। किसान ने जरूरी है कि वो तकनीकी ने अपनावे, आपके दिल के कन्न ले। मैंने बड़ो आश्चर्य हुए हो, किसी ने बयान दे दिया मैं तो 10 साल पासे भी ट्रैक्टर चलाऊंगा। पहली तो भाई क्यों चलाओगा, कानून 10 साल पासे खून चलाऊं दे। पर दूसरों बड़ो काम क्या है, अरे नए ट्रैक्टर में सरकार की सबसे ज्यादा सब्सिडी है, नई तकनीकी आती है, तेल कम खर्च होता है, नई चीजें हम सीखते हैं। हमें एक जगह रुकना नहीं है, हमें लगातार बढ़ना है। खबर हिसार से, जहां कृषि मेले में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने संबोधन में कहा कि जनता और किसान हमारे मालिक हैं। किसानों की दशा सुधारने के लिए 5 गुना बजट हमने किया है। हरियाणा सरकार किसानों के हित में समर्पित है, हर चीज वो करने को तैयार है जिससे कि हमारे मालिकों की सेवा बढ़ सके, इनकी आमदनी बढ़े, इनका जीवन दशा सुधरे। इसीलिए हमने बजट को लगभग 5 गुना किया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान को जोखिम फ्री करने के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए 7548 करोड़ रुपए उसके यहाँ दिए जा चुके हैं। फसल खराबा के 2014 से अब तक 4084 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बाजरा खरीदने वाली मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार है जो MSP पर बाजरा खरीदते हैं या भावांतर से पैसा देते हैं, 830 करोड़ रुपए हमने भावांतर का सीधे किसानों के खाते में दिया है। देश में पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा गन्ने का, एक आध साल को छोड़ के सबसे ज्यादा गन्ने का भाव देते हैं। 27,000 एकड़ जो खारे पानी की सलाइन वाटर जमीन है उसको हमने ठीक किया है। हरियाणा सरकार किसान उधर जगह